हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप भी रम्मी कर्चल प्रैक्टिस ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको भी ऐप में साउंड को ऑन ऑफ करना है तो कैसे आप ऐप में साउंड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में यही बात करेंगे। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और किसी भी फ़ोन से रिलेटेड, गूगल पे से रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जो है इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको जो भी गेम प्ले करना है आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट्स का ऑप्शन आ रहा है, कितने पॉइंट्स वाला आप गेम प्ले करना चाहते हैं, 10 पॉइंट्स या 20 पॉइंट। तो फिलहाल के लिए मैं 10 पॉइंट्स वाला करना चाहता हूँ, तो 10 पॉइंट के लिए यहाँ ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पर इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको डिस्प्ले नेम जो है डाल लेना है। डिस्प्ले नेम डालने के बाद जो है आपको प्ले नाउ ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा, आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे टॉप में 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पर साउंड का ऑप्शन मिल जाएगा। साउंड पर क्लिक करके ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह से वाइब्रेटिंग भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आप साउंड ऑटोमेटिक जो है अगर आप बंद कर देते हैं तो आपका म्यूजिक भी जो है ऑन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसी तरह से म्यूजिक को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और हमारे वीडियो देखने के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।